जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में इससे पिछली वीडियो में सीखा था कि भाई अगर मान लीजिए कि कभी भी आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में चर्चा की जाए इन स्फेरिकल मिरर्स, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड, तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन करने से पहले पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लो। अब ये देखो भाई, जैसे यहाँ पे वहां पे मैंने क्या सिखाया था, दो डायरेक्शन में तोड़ देना। तो सबसे पहले हम इसको दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे, दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा 15 cos 53। ठीक है, 15 cos 53 हो जाएगा 9 के बराबर, और इस तरफ आएगा 15 sin 53। 15 sin 53 हो जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक, मैंने वहां पे क्लियरली बोला था कि जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने लग रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिराइव किया जा रहा है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिराइव किया जा रहा है तो, लेकिन यहाँ पे तो मिरर चलने लग रहा है 2 की स्पीड से, तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस मिरर के फ्रेम में बैठ जाएंगे। तो जब आप इस मिरर के फ्रेम में बैठेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो दिखाई देगी वो सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि आपकी वेलोसिटी इस तरफ आपको वी नॉट एक्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन आपको 11 दिखने लग जाएगी, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन वो आपको 12 ही दिखती रहेगी। ठीक है, अभी हमने कहा कि चलो सर अब इसको सोल्व करने लगते हैं, सोल्व करने लगते हैं। तो याद करो पिछली वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि एक्स डायरेक्शन को कैसे डील किया जाता है। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालने का तरीका रहता है -m²v0x। तो मतलब कि अभी हमें m की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डाटा सोल्व कर लेते हैं। देखो इस ड्रॉइंग में अगर हम देखें इस इंस्टेंट के ऊपर, तो u का वैल्यू है -30। क्यों लिखा मैंने u का वैल्यू -30, अगर ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रही है, रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रही है मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तो पोल से आपको ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जो कितना जाना पड़ा, 9 चलना पड़ा हमें पीछे की तरफ। तो हम कितना, सॉरी, हमें 30 चलना पड़ा पीछे की तरफ, तो हम लिखेंगे -30। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें यहाँ पे, तो फोकल लेंथ r/2 रहती है, r यहाँ पे खुद नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -20। अभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v +1/u = 1/f। तो v निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 1/f -1/u, सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग, 1/f आ गया -20, -1/u आ गया -30। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया हमारे लिए, नीचे एलसीएम लिया तो आया 30, ये आया -3, ये आया +2, ये आया -1/60 = 1/v। तो v की वैल्यू आ गई -60। माइनस आने का क्या मतलब है कि ये माइनस आने का मतलब है कि जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट में ही है। ठीक है, क्योंकि राइट डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव माना गया है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये पीछे की तरफ ही और 60 की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ बातें कर सकते हैं अभी, जैसे कि हमें m की वैल्यू चाहिए थी, m की वैल्यू क्या रहती है, -v/u। तो माइनस वी का वैल्यू हो गया -60, अपॉन यू का वैल्यू हो गया -30। हम लोगों ने इसको कट करके सोल्व किया तो एम का वैल्यू आया -2। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ चुकी है -2। तो अभी हम फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू -m² × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जब हम उसको यहाँ पे लिखने लगे तो अपने पास आया वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी -m² मतलब -2² × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है, ऑब्जेक्ट तो ऐसे चल रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे। देखो जब हम ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी का प्लस माइनस लिख रहे हैं तो उस टाइम पे हम अपने सिंपल काइनामेटिक्स के नोटेशंस यूज करेंगे। ये राइट की तरफ जा रहा है मतलब प्लस लिख दिया जाएगा इसको, तो ये आ गया +11। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आई वो आई -44, जो भी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी है वो आ जाएगा। तो ये माइनस हमें ये बताने लग रहा है कि एक्चुअली जो इमेज है वो पीछे की तरफ चलने लग रही है, कितनी से, 44 की स्पीड से।
ये तो हमने किस डायरेक्शन को सोल्व किया, एक्स डायरेक्शन को सोल्व किया। अभी अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हमें सोल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, इन वाई डायरेक्शन। तो जब मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ तो वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, और वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू एच नॉट प्लस एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, जिसको हमने वी नॉट वाई नाम दिया था। तो इसका मतलब कि हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी, हम यहाँ पे कह सकते हैं डी एम बाई डी टी इंटू एच नॉट प्लस एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, जिसको मैंने नाम दिया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मोमेंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट इस मोमेंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर है तो इसका मतलब कि उसका पोजिशन हाइट, ये देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका एच नॉट कितना मान लिया जाएगा, 0। हाँ अगर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे होता, कहीं पे होता प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर 2 mm ऊपर होता तो हमें कुछ लिखना पड़ता है एच नॉट, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट हाइट पे ही है तो एच नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन आ जाएगा 0 प्लस एम की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगर आप देख रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश कर रहा है इस मोमेंट पे, कितनी स्पीड से, 12 की स्पीड से, तो हम क्या लिखेंगे, +12, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ओवरऑल आया -24। तो अगर आप इसका ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप ड्राइंग में क्लियरली कह सकते हैं कि जैसे ये एक मिरर था, इस मिरर से 30 की दूरी पे ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर जब हमने इमेज निकाली तो इमेज आई 60 की दूरी पे यहाँ पे, ठीक। अभी इसकी वेलोसिटी की कितनी डायरेक्शंस आई, 2 डायरेक्शंस आई। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन आया -24, मतलब कि नीचे की तरफ 24। मैंने क्लियरली बताया था कि वेलोसिटी लिखते टाइम हम लोग जो अपने काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नीचे की तरफ आया 24, ठीक है। और वेलोसिटी अलोंग एक्स आया -44, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये इस तरफ जा रहा है 44 से। अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज का नेट वैल्यू पूछा जाता है तो आप उसको लिख देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो ये वेलोसिटीज आई हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर आई है, समझ गए, ये भी किसके रिस्पेक्ट में आई है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर अभी कोई मुझसे कहे कि इनका नेट वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम कितना हो जाएगा, तो अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर में वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐड करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मिरर का वेलोसिटी खुद पीछे की तरफ है कितना, 2 से, तो हम क्या कहेंगे कि पीछे की डायरेक्शन में एडिशन हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आपको नेट दिखाई देगी वो दिखाई देगी 44 + 2 कितना हो जाएगा, 46, और नीचे की तरफ में कोई चेंज नहीं आएंगे, 24 ही रहेगा, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।